दिस इज मोहित गुप्ता फ्रॉम एसओएल अपडेट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्यों इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व हमारा होता है बैकवर्ड बेंडिंग, उसके क्या क्या होते हैं रीजंस। तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग क्यों है, इसको समझने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज कि अगर जैसे हम कमोडिटी की बात करें, उसके अंदर होता है कोई भी प्राइस चेंज। फॉर एग्जांपल, अगर एक कमोडिटी 10 रुपए की आ रही थी और वो 8 रुपए की रह जाती है, उससे हमारी जो रियल इनकम है उसमें चेंज आता है, हम ज्यादा कमोडिटीज परचेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज की प्राइस रेशो भी चेंज हो जाता है। तो इसके दो इफेक्ट निकलते हैं हमेशा प्राइस इफेक्ट के। एक हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, स्थानपन प्रभाव हिंदी में बोला जाए तो। स्थानपन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है कि जब एक कमोडिटी सस्ती हो जाती है तो आप दूसरी वाली कमोडिटी को छोड़ देते हैं। छोड़ इसीलिए देते हैं क्योंकि ये अब उसके कंपैरिजन में सस्ती हो चुकी है, तो हम इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इसका ज्यादा उपभोग करेंगे। दूसरा आता है हमारे पास आय प्रभाव। आय प्रभाव जिसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, उसका मतलब होता है कि भाई आपका वो कमोडिटी का प्राइस हो गया है कम, तो आपकी रियल इनकम, आपकी वास्तविक आय बढ़ गई है। तो ये कहता है कि आप दोनों ही गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करिए। आपकी आय बढ़ी है तो आप दोनों ही गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाइए। जबकि सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सस्ता हो गया उसको ज्यादा कंज्यूम करो और जो महंगा हो गया रिलेटिवली उसको कम कंज्यूम करो। तो इसी के बेसिस पर आइए समझते हैं इंडिविजुअल लेबर सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग कैसे होने वाला है। तो एक लेबर को डिसाइड करना होता है कि कितना उसको करना है आराम और कितना करना है काम। आराम को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर लेजर आवर्स और काम को बोलेंगे हम वर्किंग आवर्स। तो किस चीज के ऊपर, किस बेसिस पर ये डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है वेज के ऊपर। वेज रेट क्या है, अगर मान लेते हैं हम वेज रेट है 50 रुपए प्रति घंटा, मतलब एक लेबर अगर काम करती है तो वो 50 रुपए कमाएगी। तो वो मान लेते हैं हम 10 घंटे काम कर रही है और 14 घंटे आराम कर रही है। लेकिन यही वेज रेट अगर मार्केट में बढ़ जाता है 50 से बढ़कर 60 रुपए 70 रुपए हो जाता है, तो अब आराम करना रिलेटिवली महंगा हो गया है। इट इज नाउ रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू स्पेंड मोर टाइम इन लेजर। आपको आराम ज्यादा नहीं करना, अब क्या करना है, कम करना है। तो एक लेबर इस टाइम पर क्या सोचेगी कि काम ज्यादा, वर्किंग आवर्स बढ़ाने और लेजर आवर्स क्या करने हैं, कम करने हैं। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या फिर स्थानपन प्रभाव। जब एक वस्तु महंगी हो जाती है तो हम उस वस्तु का उपभोग कर देते हैं कम और दूसरी वस्तु का उपभोग कर देते हैं ज्यादा। तो यहाँ पर वेज रेट हो गया है महंगा, जिस वजह से आराम करना महंगा है। तो आराम को हमें करना है कम, लेजर हमें कम करना है और काम हमें करना है ज्यादा। दूसरी तरफ इनकम इफेक्ट आता है। इनकम इफेक्ट कहता है कि आपकी आय बढ़ी है, आपकी इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ने से आपको, अगर दोनों ही वस्तु नॉर्मल है, दोनों ही गुड्स नॉर्मल है, अगर हम लेजर को भी नॉर्मल माने और वर्किंग आवर्स को भी नॉर्मल माने जिससे हम कंजम्पशन करेंगे, कहता है दोनों ही नॉर्मल गुड्स हैं, तो अगर आपका वेज रेट बढ़ता है तो दोनों की ही कंजम्पशन बढ़ाओ। तो उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से रहने वाला है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पर्सन मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को डिसाइड करना है कि 24 आवर्स में से कितने घंटे उसको करना है काम, वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए उसके। और दूसरी चीज जो उसको डिसाइड करनी है वो करना है कि उसके लेजर आवर्स कितने होने चाहिए। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये डिपेंड करेगा वेज रेट के ऊपर। अगर वेज रेट मान लेते हैं हम 50 रुपए है, 50 रुपीज पर आवर, तो हो सकता है वो लेजर करता हो 14 आवर्स, अज्यूम कर लिया जस्ट। और अगर ये वेज रेट बढ़ जाता है 60 रुपीज हो जाता है, तो अब आराम करना हो गया है महंगा, तो उसको लेजर कम करना है ज्यादा करना है, ये चीजें हमें पढ़नी है। तो ये पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की हेल्प। तो वेज रेट बढ़ जाएगा तो लेजर आवर्स कितने करेगा, बढ़ाएगा कम करेगा, ये चीज अपने को डिसाइड करनी है। तो इसमें दो इफेक्ट आएंगे, एक आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा आएगा हमारे पास इनकम इफेक्ट। तो एक बार डायग्राम की हेल्प से देखते हैं किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें कहता है कि वेज रेट बढ़ने से आराम कम करना चाहिए और काम ज्यादा। दूसरी तरफ इनकम इफेक्ट कहता है कि हमें दोनों ही चीजों की कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए, मतलब कंजम्पशन भी बढ़ानी चाहिए और लेजर आर्ट भी हमें बढ़ाने चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला केस, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता है इनकम इफेक्ट को, तो इसका मतलब क्या हुआ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि अगर वेज रेट बढ़े
तो कंजम्पशन बढ़ाओ। कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी, जब आप काम ज्यादा करोगे, इसका मतलब है लेजर आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब हमारा वेज रेट 50 रुपए से बढ़कर हुआ 60 रुपए, तो किस तरीके से इस बजट लाइन में चेंज आएगा एक बार देखते हैं। हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी कुछ ऐसी, जिसको हमने ये ब्लैक कलर से बनाया। ये क्या दिखाती है कि हम 24 घंटे काम करें तो मैक्सिमम 1200 रुपए कमा सकते हैं, और अगर कंजम्पशन जीरो करते हैं तो 24 घंटे का आराम कर सकते हैं। एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब अचीव हो रहा है जब उसका आईसी इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के है 10, तो L1 आवर्स का आराम कर रहा है और C1 रुपीस की कंजम्पशन करता है। अब जैसे ही होगा बजट वेज रेट बढ़ जाएगा, तो ये जो कंजम्पशन है अब आप मैक्सिमम कर सकते हो 1440। ये कैसे निकाली, 24 घंटे हमारे पास काम करने के लिए, इंटू में 60 रुपए का वेज रेट। पहले था 24 रुपए, 24 घंटे में आप 50 रुपए के घंटे के हिसाब से कमा सकते थे। 24 घंटे ही है लेकिन दिन में तो टोटल, तो बजट लाइन कुछ हो जाएगी इस तरीके से। ये हमारी आ जाएगी नई बजट लाइन। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें कहेगा कि पहले से आराम कम करो तो हमारा जो भी आईसी आएगा वो कुछ इस रीजन में आ जाएगा। इसको हम नाम दे सकते हैं E2 और ये हो गया IC2, तो हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए। तो वो ये हो गया आपका L2, मतलब लेजर कम हो गया है और आपने कंजम्पशन C2 कर दी है, कंजम्पशन बढ़ा दी है। तो ये इफेक्ट तब आएगा जब आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होगा, किससे, इनकम इफेक्ट से। तो जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से, हमने क्या देखा कि लेजर हो रहा है कम और वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, तो हम एक रिलेशनशिप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर सिंपल सी, कि वेज रेट के ऊपर वर्किंग आवर्स कैसे रिलेटेड हैं। तो यहां पर हमने देखा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आ रहा है कि वेज रेट जैसे ही बढ़ा वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए। तो अब देखते हैं इनकम इफेक्ट अगर बढ़ा हुआ सब्स्टिट्यूशन से तो किस तरीके का इफेक्ट आएगा। तो अब देखते हैं अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को तो कैसा रिजल्ट आएगा हमारी बजट लाइन के अंदर और लेबर सप्लाई में। इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो मतलब इनकम इफेक्ट की जो बात कहता है वो मानी जाएगी। इनकम इफेक्ट कहता है कि अगर वेज रेट बढ़ गया है तो आपको कंजम्पशन भी बढ़ानी है, क्योंकि कंजम्पशन एक नॉर्मल गुड है और लेजर भी अगर एक नॉर्मल गुड है तो दोनों की ही कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। तो दोनों की कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी उसको एक बार डिस्कस करते हैं। अगर हम दोनों की कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा जो आईसी है वो इस सेगमेंट में कहीं आना चाहिए। तो हमने अगर आईसी बनाया वो कहीं ऐसा बनाया कुछ, तो अगर हम दोनों की कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो आईसी कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा जहां पर हमने इसकी भी कंजम्पशन बढ़ाई और लेजर आवर्स भी बढ़ाए। तो लेजर आवर्स बढ़कर L1 से L2 हुए, कंजम्पशन C1 से हुई C2। तो ये जो E1 से E2 का इफेक्ट आया इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट जब डोमिनेट करता है। तो अगर यहां पर रिलेशनशिप देखी जाए तो कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप आई कि जैसे ही वर्किंग आवर्स और वेज रेट का अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाऊं कि वेज रेट बढ़ा तो वर्किंग आवर्स कम हो गए, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप आई। तो ऐसा डायग्राम कब रहेगा, जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा, इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो इसी वजह से लेबर सप्लाई कर्व जो है वो होता है बैकवर्ड बेंडिंग। इससे पहले जो हमने डायग्राम बनाया था वो आया था अपवर्ड स्लोपिंग। अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइंड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व। तो देखते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ वेज रेट लिख दूं और यहां पर मैं लिख दूं वर्किंग आवर्स, तो स्टार्टिंग में वेज रेट के बढ़ने से वर्किंग आवर्स बढ़े थे और बाद में वेज रेट के बढ़ने से वर्किंग आवर्स कम हो गए थे। तो ये दिखाता है दो पार्ट्स के अंदर, जब वेज रेट के बढ़ने से वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता है इनकम इफेक्ट को, और उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद अगर वेज रेट बढ़ाया जाए तो उससे हम बोलते हैं भाई और कंजम्पशन नहीं बढ़ानी, हमें लेजर भी चाहिए। तो उसके केस में वर्किंग आवर्स कम होते चले जाएंगे। तो ये होगा जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम होगा और इनकम इफेक्ट होगा ज्यादा। तो ये आता है आपके पास इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व, जो हम बोलते हैं होता है बैकवर्ड बेंडिंग। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है। स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता है,
और बाद में इनकम इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाता है। इस वजह से जो हमारा इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर रहा है वो आता है बैकवर्ड बेंडिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो लगती है यूजफुल तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, आप किस कॉन्सेप्ट के ऊपर इकोनॉमिक्स के वीडियो चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा और जितना जल्दी हो सकेगा उन कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सो दिस वॉज मोहित गुप्ता, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय एंड टेक केयर।